स्पाइस मनी का रिटेलर आईडी लेना है तो आप लोग यहाँ पे देखिए एंटर योर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, तो यहाँ पे आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर का कोड एंटर करना होगा, ठीक है। तो फिर आपको जल्दी ही आईडी मिल जाएगा, ठीक है। स्पाइस मनी का रिटेलर आईडी जल्दी ही आप लोग को आईडी मिल जाएगा, आधिकारिक आईडी। तो अगर आप लोग लेना चाहते हो तो यहाँ पे इस डिस्ट्रीब्यूटर आईडी कोड को यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 794902, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 794902, तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर का कोड है, डिस्ट्रीब्यूटर कोड। तो यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए स्पाइस मनी का कॉन्फर्म योर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पे नाम शो होगा और आईडी शो होगा, और यहाँ पे हम कॉन्फर्म पे कर लेते हैं। कॉन्फर्म पे टिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, डिस्ट्रीब्यूटर का आईडी नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे सबमिट कर देना है डिस्ट्रीब्यूटर का कोड 794902। तो जल्दी ही आप लोग को आईडी मिल जाएगा स्पाइस मनी का, जल्दी ही आपको आईडी मिल जाएगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखिए आधिकारिक रजिस्ट्रेशन, तो आप लोग आधिकारिक रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आधिकारिक रजिस्ट्रेशन, तो हम आपको फुल वीडियो दिखाएंगे यहाँ पे। तो एंटर बेसिक डिटेल, यहाँ पे एंटर बेसिक डिटेल आप लोग को करना होगा, एंटर बेसिक डिटेल। तो हम दिखाएंगे आप लोग को बेसिक डिटेल में क्या क्या फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट का आपका नाम यहाँ पे फिलअप करना होगा, और यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप करना होगा, और यहाँ पे पिन कोड फिलअप करना होगा, और ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएगा। और उसके बाद ग्राम पंचायत का अपनी ग्राम पंचायत का यहाँ पे नाम एंटर कर देना है, और यहाँ पे आधार कार्ड का जो भी आधार कार्ड में जो भी एड्रेस लिखा है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद फ्रंट साइड और आधार कार्ड नंबर देखिए, फ्रंट साइड और बैक साइड यहाँ पे एंटर कर देना है, और यहाँ पे कॉन्फर्म एंड कंटिन्यू पर आप लोग टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पे इस तरह से ग्रीन टिक आ जाएगा, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बेसिक डिटेल कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम पैन डिटेल आप लोग को दिखाएंगे, पैन डिटेल को कैसे फिलअप करना है। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है, और यहाँ पे पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर लेना है, ठीक है। फ्रंट साइड अपलोड कर लेना है, और यहाँ पे कॉन्फर्म एंड कंटिन्यू पर आप लोग टैप कर लेना है। टैप करने के बाद ये देखिए फिलअप ये भी हो चुका है, ठीक है। पैन कार्ड डिटेल भी हो चुका है। अभी एड पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल आप लोग को एंटर कर लेना होगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे। तो यहाँ पे आपका सेल्फी लेना होगा, यहाँ पे आपका सेल्फी, और यहाँ पे आपका फादर का नाम, आपका मदर का नाम देना होगा, और आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देना होगा, और यहाँ पे मेल फीमेल आप लोग सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे नो हुई सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग मेरिट, यहाँ पे आप लोग मेरिट अनमेरिट सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे कैटेगरी आप लोग सिलेक्ट करना है, ST SC OBC जनरल सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, अल्ट्रा मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहते हो तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको देना है, और यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे देना है, एंटर करके देना है, और यहाँ पे नॉन ही सिलेक्ट कर लेना है, अदर सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे 2022 ही सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और जो भी आपका जो पासिंग ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे कॉन्फर्म एंड कंटिन्यू पर आप लोग टैप कर देना है। टैप कर देने के बाद यहाँ पे देखिए एड पर्सनल डिटेल भी अपलोड हो चुका है, जो भी अपलोड होता है वो ग्रीन टिक में आ जाएगा। और यहाँ पे एड बैंक डिटेल, आपका बैंक डिटेल यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आपका बैंक चूज़ कर लेना है, आपका कौन सा बैंक है। चूज़ करने के बाद यहाँ पे अकाउंट का नंबर आप लोग एंटर कर देना है, और IFSC कोड एंटर कर देना है, अगर आपका करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है, और सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आप लोग को कॉन्फर्म एंड कंटिन्यू पर आप लोग टैप कर लेना है। तो टैप करने के बाद यहाँ पे अपलोड पासबुक, अपलोड बैंक पासबुक, ठीक है। बैंक का आपका बैंक का पासबुक है वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, और अगर कैंसिल चेक बुक है तो कैंसिल चेक बुक यहाँ पे अपलोड कर लीजिए, ठीक है। अगर स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट भी यहाँ पे पासबुक के जगह पे स्टेटमेंट अपलोड कर लेना है। उसके बाद आप लोग को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद बैंक डिटेल भी अपलोड हो जाएगा, बैंक डिटेल अपलोड हो जाएगा, ठीक है। बैंक डिटेल अपलोड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे शॉप का एड्रेस आप लोग को यहाँ पे एंटर कर देना है, शॉप का एड्रेस, ठीक है। शॉप का एड्रेस अपलोड कर लेना है। तो शॉप का एड्रेस अपलोड करने के लिए
यहाँ पे शॉप का नेम अपना शॉप का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है, और यहाँ पे किस टाइम को आपका शॉप ओपन होगा और किस टाइम को आपका शॉप क्लोज होगा, और यहाँ पे नो ही सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपका ना पिन कोड एंटर कर देना है। ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टेट सिटी और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट होके आ जाएगा, और उसके बाद अपना ग्राम पंचायत का यहाँ पे नाम एंटर कर देना है, और यहाँ पे आधार कार्ड का जो भी पीछे का बैक साइड लिखा है वो एंटर कर देना है। तो एंटर कार्ड देने के बाद यहाँ पे देखिए शॉप का फ्रंट आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड अपलोड कर देना है। कर देने के बाद यहाँ पे कॉन्फर्म एंड कंटिन्यू पर आप लोग टैप कर लेना है। कॉन्फर्म एंड कंटिन्यू पर टैप कर लेने के बाद दुकान का डिटेल अपलोड हो चुका है अभी, एड बिजनेस डिटेल, ठीक है, बिजनेस डिटेल आप लोग को एंटर कर देना है। तो बिजनेस डिटेल में अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोग चूज कर सकते हैं अपना जो भी आप लोग चूज करना है, जो चूज कर सकते हैं, अगर बिजनेस है तो बिजनेस, नहीं तो आपको आधार सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम बिजनेस सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद शॉप का जो ऊपर में जो होता है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, अपना हिसाब से आप लोग सिलेक्ट कर लेना है। तो हम सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आज का दे दिया, ठीक है, 2022 दे दिया, और कंटिन्यू पर टैप करने के बाद यहाँ पे इंडिविजुअल आप लोग सिलेक्ट कर लेना है, और जो भी है ऊपर का जो भी लिखा हुआ है वो आप लोग को एंटर कर देना है, और यहाँ पे इंडिविजुअल आप लोग सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे कंटिन्यू पर आप लोग टैप कर लेना है। तो कंटिन्यू पर आप लोग टैप करने के बाद यहाँ पे एड बिजनेस डिटेल भी अपलोड हो चुका है, अभी हम एड आधार इन्फॉर्मेशन हम अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नो ही सिलेक्ट करना है, यहाँ पे भी नो सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे कोई भी नोमिनो देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर देना है तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना है तो छोड़ भी सकते हैं, और यहाँ पे कॉन्फर्म एंड कंटिन्यू आप लोग टैप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉन्फर्म एंड कंटिन्यू पर हम टैप कर लेंगे। कंफर्म एंड कंटिन्यू पर टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए आधार इन्फॉर्मेशन भी अपलोड हो चुका है, अभी दुकान का फ़ोटो लगेगा, दुकान का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है, दुकान का फ़ोटो अपलोड करने के बाद दुकान का सेल्फी, ठीक है, दुकान के सामने सेल्फी लेना होगा, सेल्फी लेने के बाद हो जाएगा, और यहाँ पे स्मॉल वीडियो डिक्लेरेशन, ठीक है, स्मॉल वीडियो बनाना होगा आप लोग को, वीडियो बनाना होगा 10 सेकंड के अंदर वीडियो बनाना होता है, ठीक है। तो वीडियो में क्या बोलना होता है, वीडियो में अपना पहले आपका नाम, मेरा नाम ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, वो बोलना है, ठीक है, मैं स्पाइस मनी में काम करना चाहता हूँ, इस तरह से आप लोग यहाँ पे वीडियो में बोलना है, ठीक है, वीडियो में बोलना है यहाँ पे। तो आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे स्पाइस मनी के साथ काम करना चाहता हूँ, इस तरह से बोलिए। बोलने के बाद यहाँ पे आई एग्री पर टैप करिए, टैप करने के बाद सबमिट डिटेल पर क्लिक करना होगा, ठीक है, आई एग्री पर टैप करने के बाद सबमिट डिटेल पे क्लिक करना होगा। सबमिट डिटेल पे क्लिक करने के बाद ये देखिए डिटेल सबमिट सक्सेसफुल हो गया, और आज का डेट भी आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पे ये देखिए योर एप्लीकेशन हीज अंडर रिव्यू, ठीक है, आपका स्टेटस आप अंडर रिव्यू में चला गया है, और यहाँ पे चेक स्टेटस पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। अगर जल्दी आईडी लेना है तो अपना डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टेक्ट करो, कॉन्टेक्ट करने के बाद आप लोग को जल्दी ही आईडी मिल जाएगा, ठीक है, रिटेलर आईडी, स्पाइस मनी का आईडी मिल जाएगा जल्दी ही, अपना डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है, तो यहाँ से आप लोग कॉन्टेक्ट करके आप लोग तुरंत ही आईडी मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।